हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11 मार्च के और 12 मार्च के सभी जीके के क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें। इस वीडियो के थ्रू करीब आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इसमें पूरा 11 मार्च के सीएचएसएल के जीके के क्वेश्चंस और 12 मार्च के सीएचएसएल के क्वेश्चंस इसमें इस वीडियो के थ्रू आपके कवर हो जाएंगे। प्लस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एसएससी और बैंकिंग के लिए मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, कि इनको नोबेल पीस प्राइज कब मिला है। तो इसका आंसर है 1977 में लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पीस प्राइज मिला है। ये एक 12 मार्च का क्वेश्चन है, ये 11 मार्च का क्वेश्चन है, ये 12 मार्च का क्वेश्चन है, और ये हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इंडिया शेयर्स इट्स लार्जेस्ट ईस्टर्न बाउंड्री विद, ठीक है, ये बाउंड्रीज के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा बाउंड्री है, किसकी सबसे कम बाउंड्री है। ईस्टर्न बाउंड्री के बारे में एक यूनिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया शेयर्स इट्स लार्जेस्ट ईस्टर्न बाउंड्री विद, तो लार्जेस्ट जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो म्यांमार के साथ है इंडिया की। और ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि रिच डैड पुअर डैड बुक जो है वो किसने लिखी है। और एक ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, देखिए पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े 6 लार्जेस्ट सोलर पार्क हैं, जिसमें से 3 इंडिया में हैं, और वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क इंडिया में है, वो कहाँ पर है, वो है आंध्र प्रदेश में कुरनूल में, ठीक है। ये हैं आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब देखिए, यहाँ पर एक ये 11 मार्च का क्वेश्चन है, अलाहाबाद संधि कब हुई थी, अलाहाबाद पैक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये 16 अगस्त 1765 को हुई थी शाह आलम सेकेंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन 12 मार्च को पूछा गया है, विच कंट्रीज फ्लैग हैज़ ड्रैगन इन इट, किस कंट्री के झंडे में, फ्लैग में एक ड्रैगन का निशान है। तो इसका आंसर होगा भूटान, भूटान के झंडे में एक ड्रैगन का निशान है। ये हैं आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। यू कैन विन, ये किताब किसने लिखी है, शिप खेरा इसके राइटर हैं। और फ्रांस के करंट प्रेसिडेंट, क्योंकि फ्रांस के साथ हमारे ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं इंडिया के, तो इसके करंट प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं। करंट प्रेसिडेंट फ्रांस के कौन हैं, करंट प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ये हमने कुछ गैस पेपर्स क्रिएट किए हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए। 100 क्वेश्चन का एक गैस पेपर है जिसमें इंग्लिश के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको यदि आप डाउनलोड करते हैं, लेते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ये कॉम्बो पैक क्रिएट किया है जिसमें 100 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे इंग्लिश के, वैसे तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, करीब 300 क्वेश्चन मिलेंगे आपको यदि आप ऑप्शंस को भी जोड़ते हैं। पूरा जीएसटी का पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। इसमें 2 पार्ट हैं बड़े बड़े, जिसमें जिसके फुल फॉर्म्स इस समय पूछे जा रहे हैं सीएचएसएल में और सभी एग्ज़ाम्स में, तो उन सभी गवर्नमेंट स्कीम्स की इसमें आपको जानकारी मिलेगी। ये कॉम्बो पैक है, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को यदि आप लेना चाहते हैं, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इनको आप ले सकते हैं। देखिए, एक ये क्वेश्चन है कि खादी एंड ग्रामीण योजना आयोग ये कब इस्टेब्लिश हुआ है और किस 5-ईयर प्लान के अकॉर्डिंग अंडर में ये एस्टेब्लिश हुआ है। तो इसका आंसर है सेकेंड फाइव ईयर प्लान, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन चार मीनार के बारे में पूछा गया है, ये 11 मार्च का क्वेश्चन है, चार मीनार को किसने बनवाया है, कुली कुतुब शाह इसका आंसर है। और ये है आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हु हैज़ वन ITB बर्लिन जर्मन वर्ल्ड टूरिस्ट मीट बेस्ट एक्टिवेटर अवार्ड, इसका आंसर है इंडिया, इंडिया ने ये जीत लिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। सिविल एविएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये CHSL में 11 मार्च को आया है। ये क्वेश्चन 12 मार्च को पूछा गया है कि किस प्लानेट को हम रेड प्लानेट बोलते हैं, मंगल ग्रह को हम रेड प्लानेट बोलते हैं और किस वजह से इसका कलर लाल होता है, आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से, आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस की वजह से इसका कलर लाल होता है। आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया गेट, इंडिया गेट के आर्किटेक्ट कौन है, एडविन लुटियंस, ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और अखिल स्योरान ये किस खेल से संबंधित हैं, ये शूटिंग से संबंधित हैं, अखिल स्योरान और मनु भाकर, इन दोनों खिलाड़ियों के आप नाम याद रखिए, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल इकोसिस्टम सोसाइटी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है,
तो इसका हेड क्वार्टर है फ्लोरिडा में। एक क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो ये है आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो USSR यानी रशिया से लिया गया है, और फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो टोटल होती हैं 11, और 1976 में 42 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिए। गेटवे ऑफ इंडिया को किसने बनाया था, तो इनका नाम है जॉर्ज विलिट। ये एक बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक कार, देखिए फॉक्स वैगन की जो बहुत फेमस कार थी बीटल, उसका प्रोडक्शन इन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है, और अब ये एक इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है आईडी बज। ये फॉक्स वैगन की इलेक्ट्रिक कार होगी। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ये किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, 1997, 1997 में ये स्टार्ट किया गया था। जगन्नाथ टेम्पल बिल्डर डायनेस्टी, जगन्नाथ टेम्पल की जो बिल्डर डायनेस्टी है किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर है गंगा डायनेस्टी। पूरे वर्ल्ड में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन सबसे हाई किसका है, सबसे हाई है चाइना का, सेकेंड नंबर पर है यूएस अमेरिका, और थर्ड नंबर पर है जापान। तो इन इन तीनों चारों क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से याद रखिए। हाइपर मायोपिया में इमेज कहाँ पर बनती है नियरेस्ट ऑब्जेक्ट की, तो इसका आंसर है बिहाइंड रेटिना। और सत्रीय फोक डांस ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, नीचे जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं मैंने ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और ये 11 और 12 मार्च के क्वेश्चन में सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें आपको। सत्रीय फोक डांस असम का है, और चाइना की पार्लियामेंट का नाम क्या है, चाइना की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, और इसने अभी एक एक्ट को ख़त्म कर दिया है जिसमें प्रेसिडेंट का एक प्रेसिडेंट केवल 2 टेन्यूर ही रह सकता है, 2 बार ही चुना जा सकता है, लेकिन वो ख़त्म कर दिया है अब इसमें, और प्रेसिडेंट लाइफ टाइम के लिए इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वो अपॉइंट रह सकते हैं, ठीक है। चाइना के पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। हु वॉज द पीएम ऑफ यूके ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति के दौरान यूके कौन था पीएम, यूके का पीएम कौन था, तो इसका इनका नाम है लॉर्ड पाल्मरस्टोन। ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। लार्ज हैड्रॉन्स कोलाइडर, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर्स ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे उसके बारे में ये स्टडी चल रही है, और स्विट्जरलैंड की एक एजेंसी है सर्न वो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। करेंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के साथ हमारे ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैत्रीपाला सिरीसेना ये करेंट प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग गूगल सर्च क्वेरी, जब हम गूगल से सर्च करते हैं तो किस कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो CO2 प्रोड्यूस होती है, ये इसका आंसर है। बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को चेक करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं, इसका आंसर है एंडोस्कोप। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 44 है ये। न्यू कैपिटल जो बनने जा रही है आंध्र प्रदेश की वो कौन सी है, वो है अमरावती। काफी क्वेश्चन अभी इसमें आएंगे आगे आगे, काफी क्वेश्चन आपको और ज्यादा मिलेंगे इसमें अभी। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, तो ये पार्ट 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित है ये, और आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है। म्यांमार की करेंसी क्या है, म्यांमार बहुत अभी न्यूज़ में था इसमें मुस्लिम के और बौद्ध के जो दंगे चल रहे हैं, तो इस वजह से म्यांमार न्यूज़ में है। इसकी बाउंड्री भी पूछी गई है, इसकी करेंसी भी पूछी जा सकती है, क्या इसकी करेंसी है, और मलेशिया की जो करेंसी है वो रिंगिट है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो रेंड है, तो इनको आप याद रखिए। मॉडर्न आयरन स्टील इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड, ये 1970 में इस्टेब्लिश हुई है फर्स्ट मॉडर्न आयरन स्टील इंडस्ट्री। वेनेजुएला की करेंसी वो है बॉलीवर, और सबसे ज़्यादा जो तेल भंडार है पूरे वर्ल्ड में वो वेनेजुएला में ही है। आगे हम देखते हैं, फाइंड द KE, एक काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। पोर्ट लुइस कहाँ की राजधानी है, मॉरिशस की राजधानी है, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हु डिज़ाइन द फ्लैग ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का फ्लैग किसने डिज़ाइन किया है, क्यूमरुल हसन इनका नाम है, और ये बता रहा हूँ मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टूर डी फ्रांस क्या है, ये एक स्पोर्टिंग इवेंट है, साइकिलिंग की एक सबसे बड़ी इवेंट है, और ये है एक बहुत ही फेमस प्लेयर क्रिस फ्रूम, और इन्होंने अभी इसको जीता है टूर डी फ्रांस को।
नेक्स्ट हम देखते हैं राइज ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग, मुगल पेंटिंग का जो राइजिंग हुई वो कब हुई, जहांगीर इसका आंसर है। सेबेस्टियन बैटल किससे संबंधित हैं, फॉर्मूला वन से संबंधित हैं सेबेस्टियन बैटल। अनदर नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा उसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा होता है। दीपा कर्माकर किससे संबंधित हैं, ये जिम्नास्टिक्स से संबंधित हैं। डायनामाइट जिसको जिसको विस्फोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल। बिटकॉइन किस प्रिंसिपल पर, किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, ब्लॉकचेन प्रिंसिपल पर काम करती है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हु इज़ रिलेटेड विद बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी इसको हम बोलते हैं, ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, लेकिन ये दोनों हाउसेस की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये केसेस लड़ता है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखिए एक आया है अभी, हु फाइट द केसेस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से केसेस कौन लड़ता है, तो इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल, और इस बात को मेंशन किया गया है आर्टिकल 76 पे। ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एज्यूर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित। रोबस कप किससे संबंधित है, फुटबॉल। ठीक है, और ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल में दिया है। इसकी स्थापना इंडिया और फ्रांस ने मिलकर की है, इसमें इस समय 121 नेशंस इन्वॉल्व हैं, 121 कंट्री इन्वॉल्व हैं इसमें। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच की, जिनको हम बोलते हैं सन साइन कंट्रीज, 121 कंट्रीज में इन्वॉल्व हैं और ये सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं। इसके हेड हैं उपेंद्र त्रिपाठी और गुरुग्राम में इसका हेड ऑफिस है इंडिया में। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। गवर्नमेंट लॉन्च विच ऐप रिगार्डिंग GST, GST रेट फाइंडर का ये नाम से एक ऐप है। करेंसी ऑफ नेपाल, ये 12 मार्च को एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो नेपाली रुपया, नेपाली रुपीस इसका सही आंसर है। करेंट CEO ऑफ उबेर, जैसे ओला और उबेर का आपने नाम सुना होगा, तो इसके जो करेंट CEO जो हैं वो हैं दारा कोरोशाही। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, किलोग्राम मास सेकेंड, ये इसकी यूनिट है। और विच कंट्री हैज़ द लीस्ट लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, यहाँ पर हैज़ पढ़िए आप। ठीक है, सबसे कम बाउंड्री किसकी किसके साथ है इंडिया की, तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। और यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल दिया है, ये आप पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है, सेकेंड नंबर पर चाइना है और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये बाउंड्री है और अफगानिस्तान के साथ आप देख सकते हैं सबसे कम है, और इंडिया की जो टोटल बाउंड्री है वो 15,106 किलोमीटर है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कोर i3 कोर i7 ये किसके प्रकार हैं, ये प्रोसेसर के प्रकार हैं। तो इस पूरे वीडियो क्लास में करीब 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एक इसरो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है, के सिवान इस समय इसके हेड हैं। और FRDI एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसने किसको रिप्लेस किया है, तो इसका आंसर है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। FRDI का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस, ये इसका आंसर है। और विच मूवी वन ऑस्कर 2017 फॉर एनिमेटेड फीचर फिल्म, इसका आंसर है जूटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैन बुकर प्राइज 2017 किसको मिला है, जॉर्ज सॉन्डर्स को मिला है, ये इनकी बुक का नाम है, और इसमें 50,000 पाउंड्स दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल प्लेयर ऑफ 2017 ये किसको दिया गया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है, और पुर्तगाल की तरफ से ये खेलते हैं, पोर्चुगीज प्लेयर हैं ये। और एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर कौन है, तो लाइकी मार्टिन इनका नाम है, ये नीदरलैंड की तरफ से खेलती हैं। और ये मैंने सारे इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन काफ़ी सारे इसमें मैंने इन्वॉल्व इंक्लूड किए हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत एक्सपेक्टेड रहेंगे आपके लिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है,
ये नागालैंड इंडिया में होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत ही फेमस ये इवेंट है। विच एलिमेंट इज यूज इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसका उसका मार्क क्या है? उसका इंडिकेशन मार्क W है, और टंगस्टन उसको हम, टंगस्टन यूज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक 12 मार्च को पूछा गया है। चमेरा डैम कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, ये रावी नदी पर है। ये करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उमेश दत्तात्रेय सालवे, ये इनका नाम है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? सियाटिक नर्व है। हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन कौन कॉल करता है? प्रेसिडेंट इसको कॉल करता है, और लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, प्रिसाइड प्रिसाइड ओवर करता है उसको, और ये बात मेंशन है आर्टिकल 108 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। करेंट सेक्रेटरी यूएनओ के कौन है? एंटोनियो गटरेस, ये करेंट सेक्रेटरी है यूएनओ के। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, सेकेंड हाईएस्ट पीक वर्ल्ड में कौन सी है? K2 इसका नाम है, गॉडविन ऑस्टिन भी इसको हम बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट के बाद सेकेंड नंबर है इसका, 8,611 मीटर है। और पाकिस्तान की रैंक क्या है पॉपुलेशन के हिसाब से? तो पाकिस्तान की रैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं, छठवीं रैंक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया की है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद इंडोनेशिया है चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है, और छठवें नंबर पर है पाकिस्तान। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फियर ऑफ डार्कनेस इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं निक्टोफोबिया, निक्टोफोबिया। ईडीएस स्कीम कहाँ लॉन्च की गई है? इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, ये मिजोरम में लॉन्च की गई है। एटॉमिक प्रिंसिपल किसने दिया है? ये 12 मार्च को एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो जॉन डॉल्टन, डॉल्टन थ्योरी आती है एक, जॉन डॉल्टन इसका आंसर है। बलफक्रम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये है आपका मेघालय में, बलफक्रम। ब्रिक्स समिट 2017 कहाँ हुई थी? जियामिन सिटी चाइना में हुई है ये। और ये क्वेश्चन जो है ये 12 मार्च के क्वेश्चन है। आफ्टर विच फाइट बाबर गॉट द टाइटल गाजी? ठीक है, किस फाइट के बाद बाबर को गाजी का टाइटल दिया गया? बैटल ऑफ खानवा के बाद बाबर को गाजी बोला गया, और बैटल ऑफ खानवा जो हुआ है वो हुआ है 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को। ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल क्यूसेंट, ग्रेविटेशनल क्यूशेंट की एसआई यूनिट क्या है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑटो एक्सपो 2018 ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था ग्रेटर नोएडा में। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? इंग्लैंड एंड वेल्स में ये खेला जाएगा। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ये 2000 ये 12 मार्च के सारे क्वेश्चन हैं। थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 इसकी थीम का क्या है? इसकी थीम है क्रिएटिंग ए शेयर्ड फ्यूचर इन ए फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। ठीक है, इंडाइजेशन के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती है, किस टाइप की मेडिसिन यूज होती है? तो इसका नाम है एंटा एसिड, क्योंकि एसिड बन जाता है, उसकी वजह से दर्द होता है पेट में, तो इंडाइजेशन की वजह से, इंडाइजेशन के लिए एंटा एंटासिड्स, एंटासिड्स नाम की मेडिसिन यूज होती हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल एक्सप्लेन किया था 11 मार्च को, और 12 मार्च को ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का किसने दिया था? तो इनका नाम है आर के षणमुख चेटी, और 26 नवंबर 1947 को ये इन्होंने प्रेजेंट किया था। CHSL 12 मार्च में क्वेश्चन आया है, और मैंने कल इसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में इंक्लूड किया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है। 11 को मैंने बताया था और 12 को ये क्वेश्चन पूछा गया है CHSL में। एनुअल बजट ऑफ इंडिया इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये बात आर्टिकल 112 में बोली गई है। ये मेरे गेस्ट पेपर्स हैं और बहुत ही यूजफुल ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आप यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इनको ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। यदि ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है, यदि मेरे एफर्ट्स आपको सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो क्लास को लाइक भी करें और शेयर भी करें,
ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे इनकरेज मिले मिले और मुझे पता पड़े कि कितने लोग मेरे एफर्ट्स को लाइक कर रहे हैं। तो इसको लाइक आप ज़रूर करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।